सत्त हूँ, मैं चित्त हूँ, आनंद ही आनंद हूँ। अहम है तो वो लास्ट तक रहता है, भगवान बनने तक। तो अपने को तो सब ऐसे बताते हैं कि अहम बनना है, अहम निकालना है। जो अहम बताया जा रहा है इसके अंदर मोह मिला हुआ है, और अरहम मोह रहित, रहित का र है वो। अच्छा, रहित का र, इसीलिए उसको अरहम बना अरहम दिया। अहम याने मोह सहित। अच्छा, अहंकार दो प्रकार के होते हैं। एक अहम है जो मोह सहित है, अरहम है वो मोह रहित है, इसीलिए उसको रेफ लगा देते हैं। अच्छा, फर्क कितना है? रेफ का, वो रेफ क्या है? मोह रहित, मोह रहित। अहम है मोह सहित और अरहम है मोह रहित। तो हमें क्या बनना है? मोह रहित, अरहम। अरहम, हाँ, हम अहम अहम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अरिहंत 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 अरिहंत, यानी क्या? मोह रहित बनना है। अरहम 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 अरहम, मोह रहित बनना है, बस यही फर्क है। तो आज का पूरा ये हमारा सत्संग था, किस क्या बनने का है? अहम के अरहम, अरहम अरहम यानि मोह रहित अहंकार। दोनों में अहम है, लेकिन एक मोह सहित है और एक मोह रहित है, इसलिए अरहम रेफ लगा दिया। आज का सत्संग इसी से शुरू हुआ था, अहंकार शब्द से। तो अहंकार दो प्रकार के होते हैं, एक मोह सहित एक मोह रहित। अभी हम कहाँ कैसे बने हैं? मोह सहित है, और मोह सहित है इसके लिए भगवान ने ये तीन त्रिपदी दी है। अभी करनी है तो करो, नहीं तो टाइम पास करो। थ्री डिटर्मिनेशन, थ्री डेडिकेशन एंड पांच सेवा, पांच डिवोशन, पांच डिवोशन, थ्री डिटर्मिनेशन, थ्री डेडिकेशन एंड फाइव डिवोशंस। जो ये करता है वही अरहम बनता है। समझ में आ गया? आप जैन हो कि जैन नहीं हो, आप ये हो फला हो ढिकना हो पूछना हो, आप जीव हो मनुष्य हो, और उस आपका धर्म ये बनता है। आज का अक्षय तृतीया अखंड बनने का दिन है, तो अखंड बनने के दिन के लिए भगवान ने ये पूरा रास्ता बता दिया, अखंड बनने का, अरहम बनने का और सिद्ध बनने का। मैं सत्त हूँ, मैं चित्त हूँ, आनंद ही आनंद हूँ।